भारतीय अभिनेत्री जिन्होंने बांग्ला फिल्मों के साथ साथ हिंदी फिल्मों, मलयालम फिल्मों और टेलीविजन की दुनिया में भी नाम कमाया, जिनका धार्मिक सीरियल में निभाया हुआ एक किरदार जिसने सभी के दिलों पर वो छाप छोड़ी कि ये किरदार घर घर में नारी शक्ति का प्रतीक माना गया, जिन्होंने राजनीति की दुनिया में भी अपनी किस्मत आजमाई, इन सब के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि उनकी निजी जिंदगी में कि उन्होंने 3 बार अपना जीवन खुद से खत्म करने की कोशिश की। कौन है ये बंगाली बाला जिसकी खूबसूरती और सादगी के सभी कायल रहे, जिसकी पर्सनल लाइफ उथल पुथल भरी रही। सिने सितारों की अनसुनी कहानियों के आज के एपिसोड में इसी अभिनेत्री की अनसुनी कहानियां आप तक पहुंचाऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना, मैं हूं स्मिता सिंह और आज बात करेंगे कोलकाता की अभिनेत्री से, राजनेत्री बनी रूपा गांगुली की, जिन्हें साल 2016 अक्टूबर में क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की जगह पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया। रूपा एक अभिनेत्री के साथ साथ प्लेबैक सिंगर, सोशल वर्कर और पॉलिटिशियन भी हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव साल 2016 के लिए हावड़ा नॉर्थ से उन्होंने इलेक्शन में उतरने का निर्णय लिया। वो इलेक्शन में उतरी लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसी साल मई में वो खूब चर्चाओं में भी रहीं, जब 22 मई 2016 को चुनाव प्रचार के दौरान साउथ 24 परगना जिले के डायमंड हावर इलाके में TMC पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी कार पर हमला किया। रूपा के मुताबिक 17-18 लोगों की भीड़ ने उन पर हमला किया था और गाड़ी तोड़ी थी, उन्हें भी पीटा था। इस दौरान उन्हें काफ़ी चोटें भी आई थी, उनका ब्रेन हेमरेज हो गया था, उनकी जान जाते जाते बची थी। साल 1988 आपको याद होगा, जब BR चोपड़ा का एक शो आया था, टीवी सीरियल था महाभारत, जिसमें द्रौपदी के रोल में नजर आई थी रूपा गांगुली। इस किरदार को निभाने के बाद रूपा ने घर घर में लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। महाभारत में द्रौपदी का वो किरदार जिसने चीरहरण के दृश्य को जीवंत कर दिया था, इस सीन को शूट करते हुए वो खुद फूट फूट कर रोई थी और क्रू मेंबर्स को उन्हें चुप कराने में आधा घंटे का समय लगा था। महाभारत की सफलता पर बात करते हुए रूपा गांगुली ने सच का सामना शो के दौरान कहा था कि महाभारत के बाद मेरा अनुभव चौंकाने वाला था, मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा था, मैं बहुत महत्वाकांक्षी नहीं थी कि डगमगाऊं, अपने करियर के इन 24 सालों में मैंने कभी किसी से काम नहीं मांगा। महाभारत की उसी द्रौपदी यानी रूपा गांगुली की लाइफ की बात करें तो ये काफ़ी उतार चढ़ाव भरी इनके लिए रही। 25 नवंबर 1966 को कोलकाता में बंगाली बाला रूपा गांगुली का जन्म हुआ, जिन्होंने हिंदी के साथ साथ बंगाली सिनेमा में भी खूब नाम कमाया। रूपा गांगुली ने अपनी स्कूली शिक्षा बेलतला गर्ल्स हाई स्कूल से करी और कोलकाता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने कई कंपटीशन में पुरस्कार भी जीता। बचपन से ही मेधावी छात्रा रही रूपा गांगुली क्लासिकल सिंगर भी हैं और क्लासिकल डांसर भी। उन्होंने इन दोनों की विधिवत शिक्षा भी ली है। साल 1985 में बंगाली टीवी धारावाहिक स्त्री पात्रा और 1986 में हिंदी टीवी सीरियल गण देवता में उनकी भूमिका को काफ़ी सराहा गया था। नेहरू युवा केंद्र संगठन बोर्ड के सदस्यों में भी रूपा गांगुली रहीं। उन्होंने साल 1992 में मैकेनिकल इंजीनियर ध्रुव मुखर्जी से शादी की थी, लेकिन रूपा को तब रोज़मर्रा के खर्चों के लिए उनके पति से पैसे नहीं मिलते थे, इसी कारण रोज़ रोज़ के झगड़े दोनों के बीच होते थे। हालांकि साल 2006 में रूपा और ध्रुव का तलाक हो गया, दोनों अलग रहने लगे। 2009 में उन दोनों का तलाक हुआ। सच का सामना प्रोग्राम में रूपा गांगुली ने अपने पर्सनल लाइफ को लेकर कई बातों का खुलासा किया। रूपा ने बताया कि जब वो महाभारत सीरियल कर रही थी तब उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हुआ था। इसके साथ ही रूपा ने यह भी बताया कि उनके पति ध्रुव उनके एक्ट्रेस वाले स्टेटस को लेकर काफी इनसिक्योर फील करते थे, दोनों के बीच झगड़े भी होते थे, जिसे तंग आकर उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 3-3 बार खुद का जीवन खत्म करने की कोशिश भी की थी। इस शो में रूपा ने अपनी जिंदगी के कई अहम बातों का खुलासा किया था और कहा था कि अब जाकर वो राहत महसूस कर रही हैं। इन सभी बातों को वो सालों से अपने दिल में दबाकर बैठी थी। रूपा और ध्रुव दोनों का एक बेटा है जिसका नाम आकाश है। आकाश का जन्म साल 1997 में हुआ था। अपने पति ध्रुव से अलग होने के बाद रूपा बहुत अकेली हो गई थी। फिर उनकी जिंदगी में उनसे उम्र में 13 साल छोटे, जिनका नाम था द्रिवेंद्रू, वो सिंगर आए और रूपा गांगुली उनके साथ लिव इन रिलेशन में भी रहीं।
लेकिन जल्दी ही दोनों अलग भी हो गए। अभिनय जगत में रूपा गांगुली को नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ मिला, लेकिन उन्हें हमेशा ये लगता था कि वो एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भी एक्टिंग की दुनिया में आने के बारे में सोचा ही नहीं था। लेकिन उनकी सच्ची और अच्छी कोशिश रही कि वो इसमें सफल हुई। रूपा गांगुली ने टॉलीवुड में भी कई बेस्ट डायरेक्टर्स के साथ काम किया। वो प्लेबैक सिंगर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुकी हैं। रूपा गांगुली ने गौतम घोष की फिल्म पद्म नोदीर माझी को, जो साल 1993 में रिलीज हुई थी, अपर्णा सेन की फिल्म उड़ान जो 1995 में आई थी, और 2006 में ऋतु परिणाम घोष की अंतर महल जैसी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया और खूब सुर्खियां भी बटोरी। इसके अलावा छोटे पर्दे पर भी उन्होंने करम अपना अपना, लव स्टोरी, कौन अपना कौन पराया, कस्तूरी, अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो जैसे कई टीवी सीरियल्स में बेहतरीन काम किया। साल 2015 में फिल्मी दुनिया को छोड़कर रूपा गांगुली ने राजनीति में कदम रखा। भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनी, तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही भाजपा में शामिल हुई। उन्हें महिला मोर्चा की राज्य शाखा का अध्यक्ष भी बनाया गया। 2016 में रूपा गांगुली रसायन और उर्वरक समिति की सदस्य बनी। साल 2016 में ही हावड़ा नॉर्थ से वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन टीएमसी के उम्मीदवार और क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला से वो हार गई। रूपा गांगुली ने कई अवार्ड जीते हैं। 1996 में बंगला फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन उज्जैन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार उन्हें दिया गया। 2006 में अंतर महल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार उन्हें फिर से मिला। 2011 में अदिति रॉय की बंगाली फिल्म अवशेषी के लिए सर्वश्रेष्ठ फीमेल सिंगर के पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। महाभारत के उम्दा अभिनय के लिए भी स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड उन्हें दिया गया था। 3 बार उन्हें ड्यूरे कोठाओ और अजीब विजन धारे गीतों से सजी हुई आवाज के लिए भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा विभिन्न कार्यालयों और सामाजिक कार्यों में भी उन्हें पुरस्कारों से नवाजा गया है। तो ये थी पर्दे पर सदा चाही सराही गई, घर घर में द्रौपदी के रूप में पहचानी गई रूपा गांगुली की अनसुनी कहानियां। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात किसी सिने सितारे की अनसुनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।